हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर देहरादून से। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज दोस्तों हम जा रहे हैं अपने गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। और मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बोला था कि जब हम अपने गांव जाएंगे, पौड़ी जाएंगे, तो आपको भी दिखाएंगे, आपको भी घुमाएंगे। तो आज हम जा रहे हैं पौड़ी शादी में फौजी साहब के ननिहाल, फौजी साहब के मामा जी के लड़के की शादी है, हैं अपनी सासू जी के मायके, पौड़ी में ही पड़ता है। तो अभी हो रहा है टाइम 7:30 बजे का सुबह। आज है संडे, तो मैं और बच्चे और फौजी साहब सभी निकल रहे हैं हम घर से। अभी यहीं रहेगा, तो ये पैकिंग भी कर ली है हमने। अभी सामान रख रहे हैं हम बाहर अपनी कार में। तो अभी हम आपको गाड़ी में मिलवाते हैं, तो चलो दिखाएंगे आपको आगे जहाँ जहाँ हम जाएंगे। ये निकल रहे हैं हम अभी घर से। गर्मी इतनी है कि बस सुबह सुबह अभी जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, शुभ यात्रा। निकल गए हम अपने घर से अपने गांव पौड़ी को। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये दोस्तों हम अभी पहुंचे कारगी चौक से, मथुरावाला की रोड से होते हुए नीचे दौड़वाला के जंगलों में जा रहे हैं हम अभी। और हम ये जा रहे हैं अभी अपने गांव पौड़ी। 2 साल में जा रहे हैं, 2 साल में पूरे 2023 में गए थे हम, नहीं 2022 में गए थे दोस्तों हम 2022 में गए थे हम, वो भी हाँ जब भागवत कथा थी, फौजी साहब के ताऊ जी की भागवत कथा थी, तो हम 2022 में गए थे। ठीक 2 साल हो गए, 2 साल से अब जा रहे हैं हम। हाँ कल नहीं चलना चलना था ना, ये दिखाती हूँ मैं आपको आगे का व्यू। इधर पूरा अभी मुझे ये दौड़ वाला में दिखाई दे रहा है, गेहूं की फसल पूरी पक रखी है। गेहूं की फसल तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरी पक गई होगी, पीले हो रखे हैं गेहूं की बालियां। ये भी मैंने अभी देखा रास्ते में चलते चलते। तब तो अभी गांव में गेहूं और जौ की फसल का टाइम होना चाहिए शायद, गेहूं जौ की फसल गांव में भी गेहूं जौ कट रहे होंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, देहरादून में पूरी गेहूं की फसल पक चुकी है। किसानों की मेहनत है ये पूरी। यहाँ पे तो काट भी रखे पूरे गेहूं प्लॉट में। आप दोस्तों सुबह सुबह बच्चों ने कुछ खाया तो नहीं, घर में सुबह निकल गए थे हम घर से। अब मैंने घर से लाई मैं ये सेब, संतरे और ये अनार और काला नमक और ये प्लेट, सारे आइटम ला रखे मैंने घर से। अब मैं ये इनको काट काट के, सब काट के काला नमक मिला के खिला रही हूँ मैं इनको।
और अभी तब सफ़र में नहीं तो खाली पेट नहीं तो चक्कर उल्टी होती है, तो ये फ्रूट खिला रही मैं इनको काले नमक में, तब चक्कर उल्टी कम आएगी। और दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगी मैं, जैसे कि मैंने कहा, मैंने आपको बताया था घर से निकलने से पहले मैंने बताया कि हम जा रहे हैं फौजी साहब के ननिहाल, अपने गढ़वाल पौड़ी जा रहे हैं हम, और फौजी साहब को तो वहाँ मामा का घर है, मामा के लड़के की शादी है और है ननिहाल है, और मेरी सासू जी का है वहाँ मायका, तो हमने एक साथ निकलना था घर से। तो ये होता है ना कि मायके में प्रोग्राम की खुशी, मायके में अगर शादी हो, मायके में कोई भी त्यौहार हो, तो हर किसी को अपने मायके में अपने त्यौहार की शादी में जाने की इतनी जल्दबाजी होती है। हमारे सासू जी सबसे पहले मेरे बड़े जेठ जी के साथ कार में, अपनी उनकी कार में बड़े जेठ जी के साथ मेरी सुबह ही निकल गए, 5-6 बजे, 5-5:30 बजे सुबह ही निकल गए। हमारा वेट ही नहीं किया सासू जी ने, इतनी खुश हो रखी है सासू जी कि मेरे मायके में मेरे भतीजे की शादी है। तो मैं सभी अपने दोस्तों से, सभी के परिवार में होते हैं रिश्ते नाते, तो जब हमारे मायके में भी कुछ प्रोग्राम होता है, शादी होती है, कुछ भी त्यौहार होता है, तो हर एक को, सासू हो चाहे बुआरी हो, सबको ऐसी खुशी होती है अपने अपने मायके की प्रोग्राम की, अपने अपने मायके में अपने भतीजों की, अपने रिश्तेदारों की शादी की, सबको ऐसी खुशी होती है जैसे मेरे सासू जी को हुई, कि मतलब हमें, हमारा वेट भी नहीं किया और 5 बजे भाग गई सीधे पौड़ी के लिए। तो सभी को ऐसी होती है खुशी। अब मैं इन्हें देती हूँ फ्रूट काट के, और आप भी आगे सफ़र में देखिए हम आपको क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या होता है। ये है जॉली ग्रांड है, ये एयरपोर्ट इधर ही है ना, आगे चला गया कि पीछे? पीछे एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट का एरिया है ये पूरा। मैं दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त और मुझे पता है मेरे ब्लॉग कई आंटियां भी देखती हैं, और प्रत्येक के घर में सासू बारी हैं, सासू भी हैं, तो मैं प्रत्येक सासू जी से बोलना चाहूँगी, प्रत्येक घर के आंटियों से जो मेरे ब्लॉग देखती हैं, कि हर किसी को, प्रत्येक को, जब आपको अपने मायके में प्रोग्राम की इतनी खुशी है, सबको होती है, तो बारियाँ भी अगर अपने मायके प्रोग्राम में जाती हैं, शादियों में जाती हैं, तो सासू जी को, किसी की भी सासू जी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारियाँ, जब मैं, मुझे देखो, जब मैं खुद अपने सासू जी के मायके खुश होकर जा रही हूँ अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, तो प्रत्येक सासू जी से बोलना चाहूँगी कि आपकी भी बारियाँ अगर अपने मायके जाती हैं प्रोग्राम में, शादियों में, तो बारियों के भी मायके पक्ष के अपने अपने रिश्ते नाते, मायके वाले सबके अपने अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं, सबके अपने लिए प्यारे होते हैं, तो दिक्कत न सासू जी के मायके में जाने में होनी चाहिए, रिश्तेदारी में, शादी शुदी में, न सासू जी को, किसी की भी सासुओं को बारियों के मायके पक्ष के रिश्तेदारी में या त्यौहार में, प्रोग्राम में बारी के जाने से होनी चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है बोलनी, और सभी के रिश्ते नातों में खपती है दोस्तों ये बात, इसलिए कही मैंने। ये आ गए दोस्तों, अब हम सात मोड़ पे, सात मोड़ तो आपने सुना ही होगा, फेमस जगह है सात मोड़, तो सात मोड़ों के ही नाम पे फेमस है। दिखाती हूँ मैं आपको फेमस सात मोड़, हैं भी इतने घूमने वाले मोड़ है ना ये, बस मैं क्या ही बताऊँ, जितने भी फ्रूट अभी खा रखे हैं ना इन मोड़ों पे, तो बस लग रहा है कि ऊपर ही आ जाएंगे। डेंजर मोड़ है ये, डेंजर मोड़, हमारा ये 2 साल के बाद है ठीक सफ़र अपने गढ़वाल पौड़ी जाने का, अपनी जन्मभूमि में, और वो भी 2 साल पहले भी फौजी साहब के घर गए थे, गांव गए थे, और 2 साल बाद भी फिर इनके ही गांव की तरफ, इनके ही ननिहाल जा रहे हैं, और मेरा तो जहां मेरा मायका है अपने गांव की तरफ, मुझे तो हो गए होंगे वहां कितने साल, 8-9 साल हैं, अरे राम, मैं मुझे तो 9 साल हो गए, 9 साल मैं तो 9 साल हो गए, 9 साल से नहीं गई मैं अपने मायके, जहाँ मेरी जन्मभूमि है अपने गांव। अब पता नहीं भोले बाबा कब
कृपा करेंगे, कब भोले बाबा का आशीर्वाद हो, मौका मिले अपने मायके पौड़ी में, अपने गांव भी मुझे जाने का। फिलहाल तो जब भी जाती हूँ फौजी साहब के ही गाँव, फौजी साहब के ही घर जाते हैं अपने ससुराल की तरफ। दोस्तों ये हमने घर से हमने घर से बचा हुआ खाना ला रखा था अपना बहुत सारा, हमें पता था रास्ते में हमें बंदर मिलेंगे तो हम ये खाना बंदरों को खिलाएंगे। अभी है बंदर यहाँ पे, इनका दे नीचे मत गिराना, पॉलीथीन रख दे खोल के, खोल के पॉलीथीन रख दो बस, दिखा देना। हाँ अरे ये देखो ले गए पूरी पॉलीथीन ले गए, वो कितना सारा ले गए पहले दिखा उसको, दिखा देख कितने बड़े बड़े कपड़े मार रहे हो। अरे सबको नहीं, सब नहीं खा रहे, एक नहीं भगा दी वो पॉलीथीन पूरी। ये हैं बजरंग बली जी महाराज, कहीं मैं देखो हाथ में ले जाओ, देख पता है। हाँ वो रहा थैला ले गया, कहाँ थैला, कहाँ ले गए वो थैला। नगर पालिका परिसर मुनि की रेती ढाल वाला टिहरी गढ़वाल। अब यहाँ से दोस्तों ये टिहरी गढ़वाल की सीमा लग गई है, टिहरी गढ़वाल की बॉर्डर लग गई है ये। अब हम टिहरी गढ़वाल में प्रवेश कर रहे हैं। ट्रैफिक भी तो है अभी, दोस्तों अभी पहुंचे हम ऋषिकेश में और रास्ते में लग गया हमें ये जगह जगह पे जाम लग रहा है, जगह जगह पे जाम लग रहा है। ये हम आए अभी ये ऋषिकेश में और यहाँ बहुत सारे गर्मियों में सैलानी आ रखे हैं राफ्टिंग करने, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये लगा है आगे जाम दोस्तों, अब हम फंस गए यहाँ जाम में, यहाँ नीचे से आ रखे हैं, ये नीचे से आ रहे हैं सैलानी। गर्मियों में इनकी मज़े हैं इन अंग्रेज़ों के, ये अंग्रेज़ पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यहाँ राफ्टिंग करने, जिंदगी के असली मजे तो ये अंग्रेज लेते हैं। यहाँ है इतना फायदा और इतना, हम खुद उत्तराखंडी होके हम इतना नहीं घूम पाते खुद अपने ही पूरे उत्तराखंड में जितना कि ये बाहर के अंग्रेज यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में आते हैं घूमने के लिए और यहाँ इन्जॉय करने के लिए। ऋषिकेश नदी में हो, चाहे गंगा नदी में, चाहे हरिद्वार नदी में हो, चाहे मंसूरी हो, केदारनाथ बद्रीनाथ कहीं भी, उतना हम उत्तराखंडी हो के हम नहीं जा पाते, हमें नहीं लगता कभी टाइम इतना जाने का ना घूमने का जितना कि पूरा फ़ायदा हमारे पूरे उत्तराखंड का पर्यटक के हिसाब से अंग्रेज उठाते हैं दूर दूर से और दूर दूर के सैलानी फुल एंजॉय करते हैं, वो फुल पूरा घूमते हैं उत्तराखंड में। कोई ना कोई तो घूम रहा है उत्तराखंड देव भूमि में, अच्छी बात है, घूमना भी चाहिए, है ही घूमने लायक, इतनी अच्छी अच्छी जगह है हमारे उत्तराखंड में, तभी तो लोगों को यहाँ इतना पसंद आता है, बाहर के टूरिज्मों को, बाहर के पर्यटकों को। और दोस्तों हम इतना फंस गए यहाँ जाम में, नींद भी आने लग गई इस जाम में, उधर से चला गया। और सबसे पहले ये रोड में ना जब जाम लगता है ना तो लोग कई इतने बदतमीज होते हैं, मतलब हम आगे हमारे आगे से यहाँ तक पता नहीं, हम रोड के बीच में पुल है और पुल के आगे की रोड में, पुल के उस तरफ की रोड तक जाम लगा है,
यहाँ तक हमारा नंबर, हम बहुत पीछे हैं, वहाँ तक जाम है। पर पीछे से जो बदतमीज आ रहे हैं ना, तो वो साइड साइड से आगे चले जा रहे हैं, जैसे आगे इनके लिए बिल्कुल रास्ता खुला होगा। यानी इसका मतलब जो हम वेट कर रहे हैं पहले से ही इतनी लंबी लाइन में, तो मतलब हम और हमारे आगे पीछे वाले बस वाले ड्राइवर, कार वाले ड्राइवर सब बेवकूफ़ हैं, सब बेफालतू। तो हम यहाँ पे खड़े हो गए कार में बैठ के वेट कर रहे हैं इतनी गर्मी में कार के अंदर, हैं भले एसी चल रहा है पर फिर भी लेट तो सबको हो रही है। अब ये जो बगल से जो छिछोरे होते हैं ये गुंडे टाइप के, तो ये किनारे किनारे से इतना तेज भाग रहे हैं ये, जैसे आगे इनके लिए बिल्कुल जाम खुला होगा। और ये कहाँ उड़ के चले जाएंगे भाई, ये उड़ के चले जाएंगे, ये अपने आप तो उड़ के ही चले जाएं, फिर क्यों किनारे किनारे से कट मार के जा रहे। उड़ा दें अपनी गाड़ियाँ छतों के ऊपर, सबकी गाड़ियों से ऊपर ही ऊपर। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये हम तब से यहीं पे हैं जाम में। राफ्टिंग वालों के पीछे हैं हम, और बड़ी बस आ रही है, जाम दिखाती हूँ मैं आपको। जाम सीधे आगे पल्ली पार तक है, पल्ली पार तक जो रोड दिखाई दे रही है, थोड़ा भी नहीं खिसक रही है बस आगे। इतना खतरनाक जाम लग रखा है, आगे तक है पूरा जाम। और हमें पहुंचना है आज शादी में 3 बजे से, कीर्तन है 3 बजे से कीर्तन है, और हम यहाँ जाम में फंस रखे हैं अभी। और शिवम को तो मुझे लग रहा नींद भी आने वाली है, मुझे खुद नींद आ रही है। कितने बजे से? 3 बजे से। 3 बजे से ही तो होते हैं शादी के कीर्तन। अच्छा, अरे कितना हुआ टाइम, 11 बज रहे हैं अभी। ये घास अब तो लड़िए, वही मेहनत ही देखो, मेहनत ही दिखाती माँ को। ये यहाँ देखो, यहाँ ये हुए उत्तराखंड के मेहनती लोग। आप खुला दोस्तों ये जाम तब से, आप चला गया ये राफ्टिंग का छतरा और आगे। तब से आप खुला ये जाम, अब आए हम इस तरफ। अभी हम उस तरफ थे जाम में फंसे, अब इस साइड आ गए। रुक गया ये राफ्टिंग का छतरा आगे से, पर ये आज हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, हमारे आगे आगे चलता जा रहा है। देखो जाम दिखा दें दोस्तों आप, आगे देखिए आप। और ये पहुंचे हम होटल द ग्रेट गंगा पे हैं हम अभी। अब हुआ जाम खाली दोस्तों, तब से क्या कर रहे हैं आराम से। अब मैं ये आगे आपको ये पहाड़ियाँ दिखाती हूँ आपको, बहुत प्यारी लग रही हैं एकदम, इतना अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य है पहाड़ियों का, दिखाती हूँ मैं आपको। दोस्तों अभी
में तो बहुत जगह में जाम लग रहा है, पर अभी सही है, अभी खुल गया है, अभी दूर दूर तक जाम नहीं है मुश्किल से। और शिवम भी मेरी गोदी में सो रखे हैं, आगे शिवम को भी नींद आ गई है। और अभी टाइम हो गया है 12 बज गए हैं 12। ये नया पुल बना, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, पौड़ी की रोड पे है ये पुल, ये श्रीनगर की। शिवम को भी नींद आ गई है, कब से शिवम सो रखा है। सफर में कार में आफत आ जाती है। ये दोस्तों हम ब्यासी मार्केट में पहुंच चुके हैं और शिवम तो गहरी नींद में सो रखे हैं, तब से मेरी गोदी में। ये है तोता घाटी है दोस्तों, ये दोस्तों पहुंचे हम अभी तीन धारा में, पहुंचे तीन धारा में और जाम इतना है यहाँ पे, ये दिखाती हूँ मैं आपको। चला तीन धारा में सभी रुके हुए हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ आए हम अभी तीन धारा में आए हम होटल में, और बच्चों को भी भूख लग गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, घर से निकले 12:30 तो बज गया, 12:30 बजे का टाइम हो गया, 1 बजे हम अभी तीन धारा के खाना खाने के लिए। बहुत टाइम लगे बैठे बैठे कार में, इतनी रात हो गई। और ये है कड़ी चावल, और ये दोस्तों यहाँ पे की चटनी बहुत फेमस है, बहुत सालों से, जब हम छोटे थे तब भी हम यहाँ आते थे तो हमें यहाँ की चटनी तक से पता है, तीन धारा की चटनी बहुत फेमस होती है, इसलिए जब भी आओ तो यहीं पे खाना खाने के लिए जरूर बैठो, क्योंकि यहाँ की चटनी का जो स्वाद है वो और कहीं होटलों में नहीं रहता। तीन धारा की चटनी बहुत फेमस होती है। खाली पेट और तबीयत खराब नहीं हो इसलिए खाया, पता नहीं खाना फिर पेट में कि नहीं ठहरेगा। फिर मेरे सफर में बहुत सालों बाद आना तो यही होता है। अभी
अब हमने यहाँ पे खाना भी खा लिया है, अब हम निकलते हैं तीन धारा से आगे को। अब निकलते हैं जी हम भी तीन धारा से आगे को। बड़ो ट्रकों पिछले बड़ी यहाँ पर तीन धारा से आगे दोस्तों, यहाँ पे भोले बाबा की मूर्ति है बहुत बड़ी, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। जी है यहाँ पर भोले बाबा की मूर्ति विराजमान है यहाँ पे। हर हर महादेव समूचे भोलेनाथ, ये देख सकते हैं दोस्तों, आप ये दर्शन कीजिए भोले बाबा की दिव्य मूर्ति के। ये देख सकते हैं आप हर हर महादेव। दोस्तों ये पहुँचे हम देव नगरी देव प्रयाग में, और ये देव प्रयाग में मैं आपको दर्शन कराती हूँ। देव प्रयाग देव नगरी तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। ये मैं आपको दर्शन कराती हूँ देव नगरी देव प्रयाग के। और यहाँ पे दोस्तों आपने तो सुना ही होगा, दो नदियों का संगम है, एक अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का। भागीरथी नदी का संगम है यहाँ पे, अलकनंदा और भागीरथी माँ आते हैं यहाँ पे, और गंगा माँ के साथ मिलते हैं। तो यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम माना जाता है यहाँ पे देव प्रयाग में। ये दोस्तों आप भी दर्शन कीजिए देव नगरी देव प्रयाग के। ये आप पूरा, ये है हमारा उत्तराखंड का तीर्थ स्थल है ये दोस्तों, देव प्रयाग देव नगरी। ये देख सकते हैं आप पूरा हमारा हमारा ये उत्तराखंड दोस्तों, ये देव प्रयाग और देव नगरी। उत्तराखंड देवों के प्रयाग के नाम से ही फेमस है ये उत्तराखंड में ही, तो शान है हमारे उत्तराखंड देव भूमि की। हम आए ये देव प्रयाग मोड़ से। अब ये रूट कट गया हमारे पौड़ी को और देव प्रयाग से, एक रूट जाता है सीधे श्रीनगर रोड को। तो हम ये पौड़ी की लाइन पे आ गए देव प्रयाग से इधर को, दिखाती हूँ मैं आपको। और सीधे जो देव प्रयाग संगम से आगे की रोड जा रही है जो वो श्रीनगर को जा रही है, और ये है पौड़ी की रूट, पौड़ी की लाइन दिखाती हूँ। और ये हम आए घुड़दौड़ी से आगे, घुड़दौड़ी से ही आगे है ना ये, सफदरखाल से आगे सफदरखाल से आगे पहुंच गए हम पालीखाल में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब सी लगी मुझे, तो हम यहाँ पे अभी रेस्ट कर रहे हैं ये पेड़ के नीचे बैठ के। वॉल पे कर रहे हैं और जहाँ पे देव प्रयाग संगम था तो वहाँ पे हमें ये दो भुल्ला भी मिले, इन्होंने हमसे लिफ्ट मांगी। और देव प्रयाग संगम से ये घुड़दौड़ी तक इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पे, वहाँ तक जाएंगे हमारे साथ अपने गांव। क्या ये यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको नीचे नीचे का व्यू। यहाँ गांव में जगह जगह जंगलों में लोगों ने आग लगा रखी है। ये
ये बिल्कुल टॉप में हूँ मैं अभी ऊपर, और यहाँ से नीचे का व्यू है ये पूरा। यहाँ नीचे से आए हम ऊपर को, ये जो सबसे नीचे रोड दिखाई दे रही है इसी रोड से आए हम ऊपर को ये पौड़ी को। और यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं हम। हेलो गाइस, शिवम की भी बुरी हालत हो गई आज। जैसे कि आपको पता होगा सुबह हम 8 बजे निकल गए थे और अभी तक शायद से 1:30-2 बज गए होंगे। 2 बज गए, 3 बज गए है ना। अभी हम इधर रुके ब्रेक लेने, क्योंकि सुबह सब चले जा रहे हैं। मम्मी को ये हालत तो बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। तो मम्मी यहाँ पे कोक पी रही है। ये दोस्तों 3:30-4 हो गया है, आप पहुँचे हम पौड़ी में। हम पौड़ी दिखाती हूँ मैं आपको। फिलहाल तो मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है और तबीयत भी बहुत ख़राब लग रही मुझे। जो भी हमारे दोस्त सब्सक्राइबर होंगे तो मैं उनको अब पौड़ी दिखाऊंगी, जो पौड़ी से बिलोंग करते होंगे। अब यहाँ पौड़ी में पहुँच के ठंडा लग रहा है मौसम, अभी तक नीचे तक इतना ठंडा नहीं था, पर अब इधर बांझ का जंगल लग गया है तो इधर हमें बहुत ठंडा लग रहा है मौसम। दिखाती हूँ मैं आपको आगे। ये देख सकते हैं आप, पौड़ी में पूरा बांझ का जंगल लग गया है। ये बांझ के जंगलों की वजह से ही इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडा हो रहा है मौसम इधर है ना। ये पहुंच गए हम दोस्तों ये पौड़ी में। ये है पौड़ी का मार्केट। और ये है आगे दोस्तों पौड़ी का बस अड्डा, जिस बस अड्डे को लेकर 2-3 साल से बिल्कुल बहुत सी चर्चाएं हो रही थी। कितने साल हो गए और पौड़ी का बस अड्डा तैयार नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है। फ्रेंटर कहाँ पर है? ये फ्रेंटर होटल, ये यही मेरे को। और हम आए यहाँ के फेमस होटल फ्रेंटियर में। ये हम यहाँ पे रुके फ्रेंटियर होटल में रुके, यहाँ फेमस सबसे पुराना होटल है ये, दुकान है इस मिठाई की। अब हम यहाँ पे मिठाई लेने जाएंगे और ये बिल्कुल बस अड्डे के ही सामने है ये फ्रेंटियर होटल। ये है पौड़ी का बस अड्डा जो मुश्किल से तैयार हुआ, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। ये है लक्ष्मी नारायण रोड है, ये पौड़ी की लक्ष्मी नारायण मंदिर वाली रोड है दोस्तों ये पौड़ी में। और ऊपर जहाँ ये चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ कॉलेज है हेमंती नंदन बहुगुणा कॉलेज है ऊपर।
जो पौड़ी के सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है कंडोलिया है, कंडोलिया कंडोलिया झूमा था ना वो ऊपर। और ये मैंने भी यहीं से किया कॉलेज, ऊपर जो ऊपर चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ था मेरा भी कॉलेज। ये एक रास्ता यहाँ से है वहाँ कॉलेज में जाने का, ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये पौड़ी का, यहाँ पे ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ये यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ऊपर, ये रास्ता जा रहा है कंडोलिया ना, ऊपर कॉलेज का रास्ता है ये, यहीं से जाती थी मैं ऊपर कॉलेज। बहुत ऊपर तक पैदल है, बहुत ऊपर तक है मेन रोड से, बहुत ऊपर तक कॉलेज के लिए बहुत पैदल जाना पड़ता है। पर इतना ठंडा है ना ऊपर, जितने सारे चीड़ के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ कॉलेज के चारों तरफ, ठंडा भी है बहुत ज़्यादा, ठंडियों में घनघोर जंगल है ऊपर, केवल चीड़ चीड़ के पेड़ हैं। और दोस्तों ये हम जहाँ जा रहे हैं, हम फौजी साहब के मामा जी के घर शादी में, सासू जी के मायके, तो वो है पौड़ी से 3 या 4 किलोमीटर आगे, बुबाखाल है वहाँ का नाम, बुबाखाल है ना, बुबाखाल है, बस पहुँचने ही वाले हैं हम। और अब पहुँच गए दोस्तों हम जहाँ पे शादी है बुबाखाल में, और मुझे तो यहीं बिल्कुल रोड के सामने है फौजी साहब के मामा जी का घर, और रोड तक ढोलक की आवाज़ आ रही है। अभी हम कार में ही बैठे हैं, अब उतरते हैं हम नीचे। ये दिखाती मैं आपको बुबाखाल, ये दिखाती हूँ आपको। और यहाँ से पूरा पौड़ी भी दिखाई दे रहा है सीधे आके, ये फौजी साहब पहले यहाँ जगह ढूंढ रहे हैं कार लगाने की, रोड में ही हैं हम अभी नीचे, कम लगो ना, अरे हम ऐसा ही नीचे यार, हम रोड चौड़ी नीचे, वे आदमी मैं बाइक भी लगाई हूँ, मैं वे बाइक भी लगाएंगे हम कग लगो गाड़ी ना, यहाँ पे सही तो है जहाँ पे लगा रखा, यहाँ मुझे पता है उनका मकान गेट है वहाँ पे, पर और आगे करके, और आगे और दीवार की साइड, और आगे करो आगे में दीवार की साइड ले लो, गेट की साइड, हाँ हाँ, और आगे नहीं करा जो मकंडा दी डाल चपा रहा, यहाँ यहाँ जो मकंडा दी डाल, इधर आगे का फोन गाड़ी ला, बस जहाँ जाओ पहले ये गाड़ी लगा। और दोस्तों ये आज का पार्ट, मैं आपको आज के ब्लॉग का इतना ही दिखाऊंगी, क्योंकि हम भी अभी पहुंचे, पहले लेट हो गए। अब शादी के कीर्तनों में मिलूंगी मैं अगले पार्ट में आपको शादी के, तो कल मिलते हैं, कीर्तन दिखाऊंगी मैं आपको, कीर्तनों में मिलते हैं। अभी हम सामान लेके जा रहे हैं घर को, अब अगले ब्लॉग में मिलूँगी आपको कीर्तनों में दोस्तों, तब तक बाय।